23 मई सेकंड लिफ्टिंग होने जा रही है। सुबह का टाइम चल रहा है, गाड़ी कांटे के लिए गई हुई है, तो मैं फिर जो है सेकंड लिफ्टिंग की वीडियो लेकर आपके साथ हाजिर हो चुका हूँ। किसान भाइयों, जब हमने कल, जी हाँ, 22 मई को जो फर्स्ट लिफ्टिंग कराई थी, उसका जो डिटेल है आपके साथ कल हमने शेयर की थी, तो आज हम सेकंड लिफ्टिंग कराने जा रहे हैं। तो सेकंड लिफ्टिंग जो है कल के मुकाबले जो रेट है वो डाउन गया है। कितना डाउन गया है बिल्कुल प्रॉपर आपको उस वीडियो में मैं जानकारी देने जा रहा हूँ। तो वीडियो को किसान भाइयों एक तो पूरा देखिएगा, और दूसरा है कि वीडियो को दिल से लाइक जरूर करिएगा। सबसे पहले हम आपको जो बीते कल, जी हाँ, जो हमारा जो है 22 मई सुबह को जो लिफ्टिंग हुई थी, उसका मैं आपको प्रूफ दिखा दूँ। हालांकि आपके साथ जो है लिफ्टिंग रेट के बारे में हमने जानकारी कल ही शेयर कर दी थी इस वीडियो में, सुबह की वीडियो में, लेकिन जो है आज आपको मैं प्रॉपर प्रूफ भी दिखा दूं। आप देख सकते हैं जी, ये कल की ये स्लिप है 22 मई, आप हमारा माल देख सकते हैं 6 क्विंटल और 90 किलो। अब बैक साइड चलते हैं इसके स्लिप के, और पीछे आप देख सकते हैं जी जो अमाउंट हमारा बना था 121 रुपये का रेट है वो लगा था, हालांकि 122 का खुला था और 121 के साथ हमारे फार्म पर लिफ्टिंग हुई थी। ये कल की बात कर रहा हूँ, आज 23 मई सुबह की बात कर लेते हैं। 23 मई को जो हमारा लिफ्टिंग रेट लगा है वो किसान भाई, कल जो हमारी शाम के समय ट्रेडर के साथ बातचीत हुई थी, लगभग 7:30-8 बजे की ये बातचीत है शाम के समय, तो उन्होंने कहा था कि 117 रुपये का जी लिफ्टिंग रेट खुला है और हम आपके फार्म पर जो है 116 रुपये के साथ लिफ्टिंग कर लेंगे। तो आज जो सुबह है 23 मई, जो अभी कांटा कराने के लिए जो गाड़ी है वो गई हुई है, तो 116 रुपये के साथ है वो हमारा माल है वो आज भरने जा रहा है। तो मौसम थोड़ा ठंडा है, तो उम्मीद भी यही है कि आज जो रेट है वो अच्छा खासा बढ़ भी सकता है, क्योंकि डिमांड जो है चिकन को लेकर बढ़ेगी। और जो ट्रेडर हमारे भाई है उनका एक यही था कि काफ़ी समय से जो उनकी जो लागत है जिस ट्रेडर की 10-12 क्विंटल थी वो 6-7 क्विंटल पर आ गई थी। तो आज मौसम ठंडा है, कल भी शायद ठंडा हो, तो जिसके कारण है जो मंडी है वो बढ़ने के भी चांस है, लेकिन हम ये जो माल हैं वो निकाल रहे हैं और आगे की जो तैयारी है वो करेंगे, और जो थोड़ा बहुत माल रह जाएगा फिर वो हम किसान भाइयों देखते हैं कितना माल बचता है, और फिर वो भी हम कल या एक दिन बाद है वो निकाल देंगे। किस रेट के साथ निकलेगा वो भी आपके साथ प्रॉपर है जानकारी मैं शेयर कर दूंगा आपको, जो है डिटेल वगैरह है, स्लिप वगैरह है वो दिखाई जाएंगी, क्योंकि हमारा मकसद यही होता है कि आपके साथ जो प्रॉपर जानकारी है, ग्राउंड रियलिटी है, वो आपके साथ शेयर की जाए। बस फोकट में ही ना आपको कहा जाए कि इतने का हमारा बिका है, इतने का हम फीड खिला रहे हैं, तो जो अच्छी रियलिटी है इसके बीच में, जो सच्चाई है, जो काला सच है पोल्ट्री का, वो ही हम आपको जो है हमेशा दिखाने की कोशिश करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कल जो है 121 रुपये के साथ भरा था और आज 116 रुपये के साथ है वो भरने जा रहा है। तो पोल्ट्री में ऐसा ही चलता रहता है कि एक दिन में ही जो है 10-5 रुपये तक है वो उछाल है वो मंडी में आ जाता है। तो ये जो दिक्कत वाली बात है वो पोल्ट्री में हमेशा बनी ही रहती है, क्योंकि हमारे पास जो है महीने में आप कह सकते हैं जहाँ 40 दिन 45 दिन 50 दिन के बाद जो है 1-2 दिन के लिए ही माल तैयार होता है, और यदि उन दिनों में 2-4 दिनों में मंडी डाउन रहती है तो आप समझ सकते हैं कि जो फार्मर है वो किस दौर से गुजर सकता है। तो बस यार फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। तो गाड़ी गई हुई है कांटे के लिए, तो इधर भी थोड़ा बहुत काम देख लेते हैं और मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।